हर बार की तरह इस बार भी चंबल की बाढ़ अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़कर गई है। हर बार की तरह इस बार भी चंबल में आई बाढ़ के चलते लाखों परिवार अपने घरों से बेघर हो गए और खुले आसमान के नीचे व जंगलों में रात गुजारने को मजबूर हुए। हर बार से इस बार जो अलग था वो था चंबल बाढ़ का जल स्तर। जी हाँ, इस बार चंबल की बाढ़ ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और इस बार चंबल का जल स्तर इटावा के उदी में 129.91 मीटर तक जा पहुँचा। चंबल ने न केवल इटावा में ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि इस बार तो राजस्थान के कोटा, धौलपुर, श्योपुर, भिंड आदि हर जगह पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए चंबल नदी आगे बढ़ती चली गई। धौलपुर में तो चंबल के ऊपर बना पुराना पुल भी पूरी तरीके से डूब गया। चंबल की बाढ़ की वजह से चंबल के किनारे बसे कई गाँवों का संपर्क टूट गया, वहीं गाँवों के लोगों को मदद पहुँचाना भी मुश्किल हो गया। गाँव व घरों में पानी भर जाने के कारण कई लोगों के घर चूल्हा जलाना व खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। बाढ़ के कारण कई गाँवों की बिजली भी कई दिनों तक के लिए काट दी गई थी, जिससे मोबाइल आदि को चार्ज करना भी मुश्किल हो गया था और प्रशासन से संपर्क करना और स्थिति की जानकारी देना भी और कठिन हो गया था। बाढ़ का पानी खेतों में जा पहुँचा, जिसके कारण किसानों की खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अभी चंबल का पानी धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है और यह पानी अभी प्रयागराज में जा पहुंचा है और प्रयागराज में भी इसने तबाही का मंजर दिखा दिया है। प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है और लोग परेशान हो रहे हैं।